आपने नीतू ने तो हाथ ही लगा लिया, नीतू टच कर लिया। ऊपर चढ़े हुए आराम से सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, खाप करके मोटा हो गया और आराम से सो रहा है। उसके अंदर देखो सब इनका घर है, पूरा घर है, बिल्कुल सफेद नहीं मिला। ये देखिए 5 किलो के बाट पर सो रहा है। हमारे यहाँ चूहा को चूहा ही बोलते हैं, यहाँ पर चूहा नहीं बोलते हैं। जो माता रानी के मंदिर में हमने दिखाए, बहुत सारे काबा ही काबा थे, उनको यहाँ पर काबा बोलते हैं। ये शराब की बोतल भी चढ़ाते हैं माता रानी पर? इस समय दोस्तों हम मौजूद हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक जगह पड़ती है देशनोक। तो देशनोक में दोस्तों, और रात को हम यहाँ एक होटल में रुके थे। जो दोस्तों देशनोक में ना एक माता का मंदिर है जो आपने बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध, और आपने शायद सुना होगा, मैं दो नाम लूँगा उस मंदिर के। तो एक तो है करणी माता का मंदिर, जिसको बोलते हैं करणी माता का मंदिर। अगर करणी माता के मंदिर से अगर आपको न समझ में आया हो तो चूहा मंदिर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम ना यहाँ पर रात में रुके थे इस होटल में। तो ये जो पीछे खड़े ना भैया, ये इस होटल के जो मैनेजर वगैरह हैं। तो जब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो हमने गाड़ी तो अपनी वहीं पर पार्क कर दी थी। तो ये देखिए, मैंने ना वापस से आज तीसरा दिन है तो वही कपड़े पहन लिए थे। तो ये देखिए मेरा ना लोअर है, ये देखिए लोअर। तो जब मैं लोअर पहन करके जब जा रहा था, तो मैं बोला ठीक है सर, हम अभी आते हैं दर्शन करके। तो इन्होंने ऐसे इशारा किया कि इसको उतार करके जाओ। बोले क्यों? बोले कि मंदिर में अलाउ नहीं है लोअर, शायद मना कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, जैसी जहाँ की परंपरा है दोस्तों, मतलब लोअर उतार करके पैंट पहनता हूँ और फिर चलते हैं। ये आ रहा है जींस पहन के। दोस्तों लेडीजों का बढ़िया है, साड़ी पहनो, वेस्ट पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, जेंट्स का है लोअर नहीं चलेगा यहाँ, जींस नहीं चलेगी, बेल्ट नहीं चलेगी। नहीं, साड़ी पहन के जाओ, सूट पहनो, वेस्ट पहनो। हाँ ये भी अच्छा लगा गाड़ी। हाँ हाँ, तो बाद में चेंज कर लेना। चेंज कर लूँगा। हाँ ये तो सही है। तो पहन लिया है वही जींस का पैंट, और अब चलते हैं माता रानी के भवन। श्री करणी माता गौशाला, नौखा रोड, देश नौ क्या लिखा हुआ है, नौखा रोड। और ये गाय है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम अपने होटल से पीछे वाले रास्ते से मंदिर के गेट पर घुस रहे हैं। अब दोस्तों देखना, यहाँ पर ना आपको चारों तरफ चूहा नज़र आएंगे। और ये है चूहा मंदिर। तो रात को जब हम आ रहे थे ना, अगर आपने पिछला अगर ब्लॉग देखा होगा, रात को जब आ रहे थे तो हमारे पैरों के नीचे ना एकदम, मतलब पैरों के पास में चूहा भागने लग गए। और इतने मतलब कोई चूहा प्याज लेकर के भाग रहा है, कोई कुछ भाग रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है, और वो भी इतने मोटे मोटे। मैं ये सोचता था शायद 2-4 चूहे, 10-5 चूहे होंगे, परंतु नहीं, रियल में मतलब इतना मतलब भरा हुआ है चूहों से। जब भी बोलते हैं चूहा मंदिर, ये जो पीछे देख रहे हैं आप रेड कलर में, ये है। चलिए आगे ले करके चलता हूँ। और कितना है ना अजीब है ना, मंदिर का ऐसा कलर कहीं नहीं होता है ना, रेड कलर में, और संगमरमर का भी है वाइट कलर में बना हुआ। हाँ ये यहाँ पर ले लिया हमने प्रसाद, चूहे खाते हैं चना और बाजरा। चूहा नहीं बोलते? अब भैया से बातें करेंगे एक सेकंड। हाँ ना, क्या बोलते हैं भैया? काबा। तो चूहा क्यों नहीं बोलते इनको? काबा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, चूहा घर वाले होते हैं इसको काबा बोलते हैं, माता जी के वंश। अच्छा भैया, ये भी यहाँ पर सुनते हैं ना कि जैसे कि कोई चूहा अगर बाई दे किसी के पैर वैर से, कावा सॉरी, वो म्यूजियम में खुली जानकारी। अच्छा अच्छा अच्छा, खुली जानकारी। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ कावा बोलते हैं, चूहा नहीं बोलते हैं, ये भैया ने बताया। भैया चप्पल यहीं पर छोड़ दें क्या? हाँ भैया चप्पल। फर्स्ट गेट से एंट्री कर लिया, मतलब जो चेकिंग गेट है ना वहाँ से एंट्री कर लीजिए। और ये मिला है हमें प्रसाद में, एक में तो बाजरा और एक में है चना, जो यहाँ पर कबूतरों को कावा को खिलाते हैं। कावा आप समझ जाना, क्योंकि बताया है यहाँ पर चूहा नहीं बोलते, चूहा इनके लोग होते हैं, और जो मतलब हमारे यहाँ जिनको चूहा बोलते हैं उनको यहाँ कावा बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब घुसेंगे अंदर, देखते हैं। मैं भी पहली बार, और आपने अगर कभी नहीं देखा है ना तो आप भी एक बार दर्शन करना। माता रानी की जय जरूर लिखना, जय करणी माँ। और अगर दर्शन किए हुए तब भी लिखना, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कितने सारे यहाँ पर ना कबूतर, कबूतर ही कबूतर है, ये देखिए
और इनको डालते हैं जौ। स्टार्टिंग में आए कबूतर और ये अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये है करणी माता का। अरे वहाँ पे किसी ने ना शेर को भी कुछ खिलाया परंतु वो सो रहा है, जबकि पत्थर का है, मार्बल का। देखिए अब एंट्री हो रही है। जय माता रानी, जय हो माता रानी। ये है अंदर एंट्री करणी माता के भवन में। देखिए कैसी ना दरवाज़ा कैसा है, कील लगी हुई है दरवाजे पर ना है? और ये देखिए, ये रहे जो चूहा है ना, यहाँ पर चूहा नहीं बोलते, कावा बोलते हैं। ये देखिए अंदर एंट्री करते ही ये देखिए कितने सारे मिल गए हमें। देखिए खा रहे हैं आराम से बैठे, ना इनको कोई डर लग रहा है और ना ही ये किसी से कुछ बोल रहे हैं। इतने मतलब पेट भर रहे हुए इनके, कोई चना डाल रहा है, कोई कुछ, पर कुछ जो भी खा रहे हैं ना, चना वगैरह नहीं खा रहे, वो रोटी खा रहे हैं। चलिए जैसे फिर थोड़ा सा अंदर चलेंगे। ये है श्री करणी मंदिर। ये देखिए चारों तरफ आपको ना चूहा ही चूहा नजर आएंगे, चूहा ही चूहा, इसीलिए बोलते हैं चूहा मंदिर। चलो जय माता रानी। जिले है ना निजी पिड़िया। चलो श्री करणी माता मंदिर, जय करणी माँ। फिर जैसी थोड़ा सा आगे आए ना हम, तो देखिए, अरे बाप रे, नीतू ने तो हाथी लगा लिया। नीतू टच कर लिया, पकड़ सकते हाँ? अरे वाह, कुछ नहीं बोल रहा है, आराम से है, खाएगा भी नहीं पकड़ इसने तो। चलो ठीक है, इनको ना कावा बोलते हैं। हम ना ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसे बोलते हैं वाइट कलर का मिल जाए। ये देखिए, ये तो सो रहा है आराम से खा करके, गहरी नींद मार रहा है। ये देखो, ये भी खा करके आराम से सो रहा है। देखिए चारों तरफ, सॉरी। चलिए जैसे थोड़ा सा फिर अंदर आए हम, देखिए कितने सारे चूहे हैं। ये देखिए चूहा ही चूहा, चूहा ही चूहा है। ये देखिए मंदिर के अंदर, और देखिए सभी ना सो रहे हैं, कुछ रेलिंगों पर चढ़ जाते हैं, रेलिंगों पर चढ़ने करके आराम से नींद फरमा रहे हैं। और ये तो इसने तो अंदर मुंह घुसा रखा है, मतलब पब्लिक से डिस्टर्ब ना हो इसलिए। ये देखिए ये पता नहीं इसमें कुछ टूट रहा है, ये सो रहे हैं आराम से। ये तो बहुत छोटा है, बच्चा ही है। शराब भी चढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीतू बता रही है कि शराब की बोतल चढ़ा रहे हैं, हम चढ़ा रहे हैं। वो हाँ, वो चढ़ा रहे हैं रॉयल स्टाइल, वो देखिए रखी हुई है। और ये आरती लेके आए हैं बाबा। ये शराब की बोतल भी चढ़ाते हैं माता रानी पर। ये देखिए दोस्तों, शराब बोतल चढ़ाई, तो ये तो खुली हुई है, खुली हुई है। अच्छा अंदर चढ़ा दी है पहले, बड़ा कमाल है। देखा दोस्तों, रॉयल स्टैग की बोतल है और वो अंदर चढ़ा करके माता रानी पर आए हैं। और ये पहला मैंने ऐसे मंदिर देखा है। वैसे एक है वो ओम बना का जो मंदिर है, उसमें भी शराब चढ़ाते हैं, परंतु ये देखिए करणी माता का जो मंदिर है, इसमें भी ये देखिए भैया के पास में है बोतल, अंदर भी चढ़ी हुई थी। देखिए दोस्तों, ये आरती हो रही है मंदिर में फिलहाल, और माता रानी को ढक रखा था चुन्नी से। ये देखिए मोबाइल फ़ोन की यहाँ पर ना टिकट देनी पड़ती। हाँ मैं ब्लॉगर थोड़ी हूँ, तो वीडियो बनाने की आपने 30 रुपए मांगे, ले लो आप। आरती आ गई, जय हो, जय हो माता रानी। ये देखिए आरती भी मिल गई हमको। चलिए दोस्तों, ये देखिए चूहा ही चूहा है, इनके लिए यहाँ खाने के लिए डाल रखे हैं, बिस्किट है, नमकीन है, चावल। ये देखिए चारों तरफ ना, चारों तरफ। अब ये है कि इनसे ना पैर सावधानी से लेके चलने पड़ेगा, कि कोई पैर के नीचे ना आए, वैसे आती नहीं है। पर ये देखिए, ये देखिए कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं ये चूहे,
कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं। कमाल देखिए कहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं, सो रहे हैं आराम से, तो पैरों के नीचे आ जाते हैं। ये साल पानी पी रहे आराम से, खाना पीना खा कर पानी पी रहे, ऊपर चढ़े हुए पता नहीं कितने इसके अंदर तो चले गए ना। और बाप रे ये देखो अरे कबूतर भी बैठा है, सॉरी वो क्या बोलते कावा, सॉरी हम भूल जाते हैं ना आदत नहीं है। तो ये देखिए कावा है, ये आराम से सो रहा है, ये देखिए आराम से सो रहा है, सो रहा है। अरे तुम्हारा रे बाप रे बाप, बिजली कैमरा के पास में, ये देखो चल ये देखो ये सो रहा है आराम से, चलो ये बात ये देखो जहाँ भी जहाँ नजर आओ हो ये तो ऐड मार रहा है, ये देखो ये भाग गया बिजली रैलिंग पर, ये देखो अरे बाप ये देखो मस्त सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, खाप करके मोटा हो गया और आराम से सो रहा है। अरे उसके अंदर देखो सब इनका घर है, पूरा घर है, आओ आराम से। मेरे को सफ़ेद नहीं मिला, ये देखिए 5 किलो के बाट पर सो रहा है। देखोगे ना वहाँ चूहों की भरमार है, पर मुझे कोई सफ़ेद चूहा नज़र नहीं आया है। तो बाप रे ये तो मेरे पैर के पास ही आ रहा था, ये देखिए जिधर भी देखो उधर चूहे चूहे, इसमें तो भयंकर बच गया बच गया, चलो चलो थोड़ा पैर के नीचे ही आ जाना। माता रानी के दरबार में से निकला है हम लोग, और हमें वहाँ पर मोबाइल की एक पर्ची भी, हम वीडियो बना रहे थे तो हमें एक पर्ची दी, बोले 30 रुपये लगेंगे आपको, हाँ रुक जाए बोले, तो बोलते हैं बोले 30 रुपये लगेंगे, बोला ठीक है दे दिए मोबाइल के। दोस्तों कहीं कहीं ना अपना पर्चा छुपाना भी अच्छा रहता है, उसने बोला यूट्यूबर लगते हैं, उन्होंने बोला हाँ, बोले ठीक है 1100 रुपये निकालो, बोला किस लिए, बोला यूट्यूबर के यहाँ पर ना 1100 रुपये, और वैसे अगर मोबाइल से अगर आप बनाओ तो 30 रुपये नॉर्मल आम। मैं बोला कौन बोला यूट्यूबर, बोला आप ही तो बोल रहे। मैं बोला नहीं ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पर बना लेते हैं, यूट्यूबर नहीं हूँ। तो जब जैसे तैसे बच के आए, नहीं यहाँ पर ना यूट्यूबर के लिए 1100 रुपये हैं और वैसे मोबाइल के 30 रुपये। सफ़ेद कबूतर तो नज़र आ गया, सफ़ेद वो नहीं आया हमको, सफ़ेद चूहा नज़र नहीं आया, सफ़ेद कबूतर आ गया पर नज़र ना, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये था करणी माता का मंदिर जो हमने आपको दिखाया। दोस्तों हमारे यहाँ चूहा को चूहा ही बोलते हैं, यहाँ पर चूहा नहीं बोलते, जो माता रानी के मंदिर में हमने दिखाए बहुत सारे कावा ही कावा थे, इनको यहाँ पर कावा बोलते हैं। और एक वो भी तो थी यहाँ पर, बताया था कि अगर यहाँ पर अगर ये कावा मर जाता है तो इंसान का जन्म मिलता है इसको, और इंसान मर जाता है तो उसे कावा का जन्म मिलता है। और दोस्तों माता रानी पर हमने जैसा कि आपको दिखाया था शराब की रम बिस्की ये भी चढ़ाई जाती है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा था। माता रानी के आगे ऐसे वो रखा था ना जग सा, उसमें डाला था आधी बोतल डाल दी थी उन्होंने, और तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके माता रानी को। आपका कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।